नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ विनीता से वार्ता प्रोग्राम में। आज की जो हस्ती हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, उनके एक नहीं कई रोल्स हैं, उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर संगीता रेड्डी, जो अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है उसकी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप जो है फिक्की की फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, आप G20 की चेयरपर्सन सिलेक्ट हुई थी, अपॉइंट हुई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एंड आज वो हमारे बीच पे उपस्थित है। वो इस वक्त अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के, इनके पति कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी जो शेवलांग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार है, उनका पूरा उनके उनके जो कैंपेन का एक दायित्व जो है इन्होंने संभाल रखा हुआ है, और दिन भर ये अपना बिजनेस भी संभाल रही है, साथ में ये राजनीति भी देख रही है, परिवार भी संभाल रही है। एज इट इज वुमेन को कहा ही जाता है मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी टास्किंग। तो डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। सबसे पहले मैडम, हमारा एक जो प्रथा है, या आप जो कह लीजिए, हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले, यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद ओनली? यस, बोर्न इन हैदराबाद, बट मूव टू चेन्नई फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन वेंट टू द यूएस। ओके, अमेरिका में प्राइमरी स्कूलिंग हुआ था, और बाद में पिताजी के पिताजी जो हमारा दादाजी से एक लेटर आया था कि अगर जो आप अच्छा काम यूएस में कर रहे हैं, अगर आप इधर इंडिया में करें तो वो कितना अच्छा होगा। तो सिर्फ वो बात से डैडी और मम्मी पूरा हमारा चार बेटियों को लेके वापस इंडिया में आए। हाँ, इधर एक प्रैक्टिस शुरू किया, तो हम उस टाइम में चेन्नई में रोजरी मेट्रिक स्कूल में पढ़ रही थी, और उधर वही टाइम में स्कूल हुआ। कॉलेज के टाइम में डैडी ने अपोलो हॉस्पिटल का शुरुआत। मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, इनके फादर श्री प्रताप रेड्डी, उन्होंने ही इज द फाउंडर ऑफ अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, और आप सब लोग जानते हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल आज पूरे भारत में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हैदराबाद ही नहीं, भारत के अब हर एक शहरों में आप अधिकतर जितने भी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे आप अपोलो ग्रुप का एक हॉस्पिटल ज़रूर पाएंगे, और एक क्लास जिसमें हर तरह की जो सुविधाएं हैं, आधुनिक से आधुनिक तकनीक है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ है, हर कुछ उस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये हमारे उस फैमिली को ये बिलोंग करती हूँ, और उसकी लेगेसी को आगे अब डॉक्टर संगीता रेड्डी जी बढ़ा रही हैं। अब इनके हॉस्पिटल के उसको किनारे करके अब हम इनके व्यक्तित्व के दूसरे पार्ट पे आते हैं। इनके पति श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, वो भी एक बहुत ही रेनाउंड फैमिली से आते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके नाम पे हमारे तेलंगाना का एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर केवी रंगारेड्डी जी। तो उस फैमिली में आके वो भी काफ़ी पढ़े लिखे, और वो भी इंजीनियरिंग में मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है न्यू जर्सी से। तो जब ऐसे पढ़े लिखे लोग आपके राजनीति में आते हैं, खासकर भारत में, तो एक नई सोच की, नई एक नई तकनीक की, नई सोच की, एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत होती है। क्या क्या लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग क्या समझ के राजनीति में आते हैं, कैसा लगता है आपको मैडम? तो सबके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, मगर डेफिनेटली कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के बारे में मैं बिल्कुल ये पूरा दिल से बता सकती हूँ कि उसने आया पॉलिटिक्स में सेवा करने के लिए। वो पैसा के लिए नहीं आया, उनका जस्टिस का एक बैकग्राउंड भी है। उनका फादर जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी हमारा स्टेट का चीफ जस्टिस था, महाराष्ट्र का भी चीफ जस्टिस था, गवर्नर था। तो जब वो आए पॉलिटिक्स में, पहले नहीं था और अच्छा बिजनेस चल रहा था, फिर ये तेलंगाना सेपरेट स्टेट के टाइम में उसने देखा कि तेलंगाना स्टेट को कितना नेग्लेक्ट हुआ, तेलंगाना रीजन को, इसलिए उसने सामने आया। फिर केसीआर और केटीआर के रिक्वेस्ट में उसने ज्वाइन किया पार्टी में, फर्स्ट टाइम एमपी भी बने। फिर बाद में वो लोगों का सच्चाई का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और वो पार्टी का जैसा वो चल रहा उसको पसंद नहीं आया, उनको
उन लोगों ने रेस्पेक्ट दिया, मगर प्रजा के लिए जो करने का था वो नहीं वो हो नहीं रहा कर पाए। हाँ नहीं कर पाए, इसलिए वो पार्टी को छोड़ के फिर ज़्यादा दिन इंडिपेंडेंटली थे, एक शॉर्ट टाइम के लिए कांग्रेस में भी थे, ज्वाइन किया मगर फाइनली पूरा रिसर्च करके सबसे बेहतर पार्टी जो हमारे देश के लिए, हमारे देश का भलाई के लिए और जनता के लिए जो अच्छा सेवा कर सके, जिसमें थोड़ा सिद्धांत है, थोड़ा आगे जाने का विजन है, और मोदी जी का लीडरशिप पूरा देके उसने निर्णय किया और वो निर्णय पे खड़ा हुआ कि वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, उसके लिए वर्क करेंगे और वो फुलफिल करेंगे हमारी सब लोगों का आशा, बीजेपी पार्टी के थ्रू से वो आशा को पूरा करेंगे। सबसे पहले 2014 में वो एमपी बने, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी सबसे पहले 2014 में एमपी बने, उस समय वो बीआरएस की टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले ये चुनाव में उन्हें जीत भी मिली और वो एमपी बने। लेकिन उसके बाद 2018 से 2021 तक वो कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि बीआरएस में जैसा कि अभी मैम ने भी बताया कि उनको वो सेटिस्फैक्शन, जो हम काम कर सकते जिस काम के लिए हमें चुना है हमारी जनता ने, वो काम वो नहीं कर पा रहे थे जो वो करना चाहते थे, जनता की सेवा जिस तौर पे वो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, बट अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी के उन विचारों से वो थोड़े प्रभावित हुए और एक जो एक डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है और डेवलपमेंट की जो राजनीति है बीजेपी की, उनके हिसाब से वो उससे प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और इस बार ये बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है। मैडम आप तो सुबह से शाम तक उनके कई सारे कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन की कमान आपने संभाल रखी है, आप गेटेड कमिटीज़ में घूम रहे हैं, आप स्लम्स में भी जा रहे हैं, आप बस्तियों में घूम रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है शेवला, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कैसे कैसा लग रहा है अभी, कैसा आपको पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? तो मैं उसके पहले एक बात को पूरा बताना चाहती हूँ, जब वो पहले मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट था उनका रिकॉर्ड बिल्कुल 95% अटेंडेंस, उनका एमपी लैड्स फंड्स एक एक पैसा परफेक्टली यूज किया प्रजा के लिए, हाँ, और उनका भलाई के लिए। फिर जब वो बाहर आया इंडिपेंडेंट रहने के टाइम पे और कांग्रेस में रह के जब वो उनका सक्सेस नहीं हुआ, मगर उनका पर्सनल पैसा से वो बहुत बहुत लोगों का मदद किया, वो इम्पोर्टेंट है। और उनका स्वभाव, उनका आइडियाज़, उनका जो काम है, जो सस्टेनेबल रेप्लिकेबल मॉडल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल हम कर सकते हैं, तो वो देख के, सिर्फ मैं कैंपेन में नहीं हूँ, हमारा पूरा फैमिली, उनका पुराना एम्प्लॉयज़, ज़्यादा दोस्त, सब लोग वॉलंटरी आए हैं कि वो मदद करें कि एक अच्छा इंसान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जिसका रिकॉर्ड स्पॉटलेस हो, जिसका आइडियाज़ अच्छा हो और जिसके दिल में प्रजा का सेवा का भाव हो, वो आना चाहिए हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये भी बताना है, आपने बोला कि मैं गेटेड कम्युनिटीज़ में हूँ, उधर तो बहुत थोड़ा ईजी रहता, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ता है, मगर जब मैं बस्ती में जाती हूँ, जब मैं गाँव में जा रहा, छोटा छोटा गांव में, उसमें पानी का प्रॉब्लम, पर कल परसों मैं भरगी में थी, उधर एक गांव में बिल्कुल वह पानी का पाइप टूट गया, पानी नहीं था, टैंकर 3 दिन से बुला रहे, टैंकर नहीं आ रहा, और वो पूछ रहे छोटा बच्चों को सामने रख के, इनको क्या दें हम, तो ऐसा दिल में इतना दुखी आता, मगर एक हिम्मत भी आता कि इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो हमने इमीडिएटली किसी को बुलाया, वो पंप को रिपेयर किया, एक 3 घंटे में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके हम, ग्रेट जॉब, और उसमें कितना सेटिस्फैक्शन, कितना खुशी मिलता कि हम किसी का सेवा,
हो सके, किसी की हेल्प, इतने लोगों की हेल्प कर पाए, छोटे छोटे बच्चे जो पानी से पानी के लिए तरस रहे हैं ऐसे एरिया में। हालांकि ये पानी की प्रॉब्लम केवल गांव की नहीं, आपको बता दूं कि पूरा हैदराबाद या पूरा तेलंगाना, आप बैंगलोर के बाद से अब आप तेलंगाना में हैदराबाद भी वही सिटी होती जा रही है जहाँ पे पानी की बहुत बहुत समस्या है। और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर इस समस्या के ऊपर अगर कोई भी नेता या कोई भी कैंडिडेट अगर ध्यान देता है तो ये बड़ा फैक्टर हो सकता है यहाँ के चुनावी रण में। मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि इसके लिए कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के एक प्लान है, वो सेंट्रल से सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लाएंगे और उसका डिज़ाइन करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करके मिलके उसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये वो कर सकता है, उसका प्लान में भी, मैनिफेस्टो में। अब सब लोग प्लीज़ उनका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, वो वेबसाइट पे है, सोशल मीडिया पे लिंक्स है, वो मैनिफेस्टो देख के उनका पूरा प्लान, अर्बन रिन्यूअल प्लान, रूरल डेवलपमेंट प्लान, लेडीज़ का वो पूरा मुद्रा लोन्स, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और नारी शक्ति के लिए, वो क्या क्या कर सकते हैं। फिर ओल्डर पीपल, उनके लिए वो हेल्थ केयर के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो तो नेशनल आयुष्मान भारत स्कीम में 5 लाख हर आदमी को वो 5 लाख शायद किसी सर्जरी के लिए वो, तो इतना पूरा सेंट्रल स्कीम्स को इधर 100% आने के लिए उनका पूरा कोशिश होगा। ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब लोग खाना, वो खाना के लिए हमारा प्रधानमंत्री जो तेलुगु में सब लोग बोल रहे हैं उनको बीएम इच्छे टाइना, जो चावल दे रहे हैं उनका लेबल दे दिया और उनका टाइटल दे दिया बीएम इच्छे टाइना। वो उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है घर, और हमारा आवास योजना, बीजेपी का आवास योजना में सबके लिए घर होना, तो वो स्कीम डेफिनेटली हम पूरा से पूरा इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये और एक बात है कि अब तक जो हुआ है आवास योजना में, 33% बेनिफिशरीज आवास योजना का हमारा माइनॉरिटीज़ है। तो इस टाइम में मैं बता सकती हूँ कि बीजेपी एक नेशनलिस्टिक पार्टी है जो सबको लेके जाते हैं, सबका साथ सबका विकास के सब, चल एब्सोल्युटली सबका साथ सबका विकास। और अंत्योदया लास्ट मैन तक 25 करोड़ पीपल को आबादी से निकाल चुके हैं, गरीबी के एब्सोल्युटली। और फिर और करना चाहते हैं ये विकसित भारत, सो जहाँ विकसित भारत पूरा चल रहा है हमारा चेवाला भी सामने जाना है। हम गच्चीबौली में बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख के चेवाला बहुत रिच है नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इधर विकाराबाद है, परगी है, उसमें बहुत आबादी है। और इसी चेवाला में, इसी गच्चीबौली और शेरलिंगमपल्ली में प्रेम नगर है जहाँ बहुत प्रॉब्लम है, पापी रेड्डी कॉलोनी जहाँ उनको ड्रेनेज, हाफिज़पेट ऐसा एरिया है जहाँ पे एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी अभी तक नहीं पहुँच पाई, जबकि वो हैदराबाद जैसे शहर का, हैदराबाद जैसे जगह का हिस्सा है, उसके बावजूद वो सब चीज़ें अभी नहीं पहुँच पाई हैं उन सब एरियाज़ में। और एक और चीज़ है मैडम, यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी अपने यहाँ पे तेलंगाना में बहुत है, और मुस्लिम्स का जैसा हम लोग यूजुअली एक सोच देखते हैं कि हमारी सोच है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, हालांकि बहुत सारे लोगों से हम लोग भी जैसे जाते हैं जनता के बीच में जाके उनके ओपिनियन लेते हैं, तो वो लोग ये भी स्वीकार करते हैं कि हमें भारत सरकार के स्कीम के तहत पे मुझे घर मिला है, भारत सरकार के स्कीम के तहत पे मुझे उज्ज्वला योजना में मुझे गैस कनेक्शन मिले हैं, मुझे किसान उसके तहत में मेरे घर में मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि वो फिर कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते। फिर भी क्या लगता है, क्या एक ऐसा सोच है कि वो डेवलपमेंट को छोड़ के क्या कोई और मुद्दा रहता है उनके लिए कि हम वो सोच के वोट करते हैं, ऐसा क्या चीज़ है, क्या फैक्टर लगता है आपको उनके बारे में? आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा किया है, मुझे इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताना चाहती हूँ। नंबर 1 एक बात है कि पूरा मुस्लिम लोग बीजेपी से अगेंस्ट नहीं है, हाँ, और जो लास्ट इलेक्शंस में 14% मुस्लिम्स था उसमें 20% बीजेपी को वोट दिया है, हाँ, तो ये डेटा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा दूसरा पार्टी एक पार्टी है
जो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक के जैसा इस्तेमाल करते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं सोचते, सिर्फ वोट जिताने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए वो वोट को यूज करते हैं। और हमारा मुसलमान भाइयों और बहनों वो भी जानते हैं, कभी कभी उनको ऊपर बाहर बोलने का उतना नहीं बोल पाते, खुल के नहीं बोल सकते हैं, खुल के नहीं बोल सकते, मगर वो जरूर वोट देंगे, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी किसी को अलग नहीं सोचती, वो सबको मिलके सबका साथ सबका विकास, जो आपने बोला। और अगर उनको ये भी एक नॉनसेंस का वो जो लाइज बोलते हैं ये दूसरा पार्टी का लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी लोग रिजर्वेशन को निकालेंगे, बिल्कुल अभी जो अमित शाह जी का एक जो है डीप फेक जो है वीडियो आज बहुत पूरे पूरे भारत भर में बहुत सारे रेवंत रेड्डी जी ने भी उसको अपने आईडी से ट्विटर की आईडी से उसको पोस्ट किया है, जो कि एक फेक वीडियो है जिसके थ्रू ये कहा गया कि बीजेपी जो है आरक्षण को एस सी एस टी एंड बैकवर्ड का बी सी का जो आरक्षण है उसको समाप्त करने वाली है। वो अगर उनको समाप्त करने का आइडिया था तो ये 10 साल में क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल लाइज है, ये कांग्रेस की पूरा मैं कैसा बोल सकूँ, मुझे दुखी आ रहा और बहुत एंग्री भी फील हो रहा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोगों से खेल रहे हैं, ये वोट के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बहुत गंदी बात है कि हमारा अच्छा देश को ऐसा पीस पीस में अलग कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। मैं धर्म के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारा बच्चों के लिए प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, हमको इधर एक लड़ाई, एक युद्ध नहीं करने का। हम सब, मैं हैदराबाद में आई थी एक बहू के जैसा, उन लोगों ने बोला इधर गंगा जमुना का तहजीब है, इधर हम हिंदू मुसलमान नहीं है, हम सब हैदराबादी हैं, वो कल्चर को क्यों खराब कर रहे हैं, ऐसा सबको ऐसा भेदभाव क्यों दिखा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे भाई बहनों से कि ये मत बिलीव करना, इसमें विश्वास नहीं देना, हम सब साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जानते हैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी से। एक मैं जब हफीजपेट में लास्ट वीक गई थी, एक आदमी ने बोला मैं किसी से नहीं बोलूंगी मगर मैं ज़रूर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को वोट दूंगी। क्यों? जब हफीजपेट में एक छोटी बच्ची डेंगू से मर गया, उसने बोला ये लेक को क्लीन करना, और ये लेक को क्लीन करना उसने खुद अपने आप उसको अंदर जाके वो क्लीनिंग का मेथड दिखा के उसको पूरा सेट करके मच्छर का कम करके लोगों को भलाई के लिए सोचते, तो वो बंदा ठीक है, उसने अच्छा बोला और उसने दिल से बोला। ऐसे कई लोग हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी के कारण, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के कारण उनका बहुत फ़ायदा हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, बीजेपी उसको अलग नहीं करेंगे। ये जो झूठ बोल रहे हैं उनका वोट के लिए, उसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं उनके साथ जाना, क्योंकि वो बाद में नहीं दिखेगा उन लोगों के लिए। कुछ लोग हैं जैसा कि डॉक्टर संगीता रेड्डी यहाँ पर आके, इनके कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग हैं जो वास्तव में काम करके वोट मांग रहे हैं, लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से हम आपकी बेहतरी के लिए डेली कुछ ना कुछ कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ और बहुत कुछ है विकास में। विकास एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसमें हर दिन कुछ नया करने की एक स्कोप रहता है, वही उसके बारे में ही ये बता रही हैं कि आज भी जब भी ये किसी किसी पिछड़े इलाके में जाते हैं, जहाँ पर अब भी कैंपेन के दौरान भी जहाँ पे जो थोड़ी मदद कर पा रही है अब भी कर रही हैं, और आगे अगर जीतते हैं तो उनके विकास का एक पूरा एजेंडा उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। अगर जीतते नहीं, हम जरूर जीत रहे हैं हम जरूर जीत रहे हैं, और अब भी हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा मेजॉरिटी के लिए कर रहे हैं, जरूर जीत रहे हम। बहुत बहुत अलग अलग पार्टी से लोग आके बोल रहे हैं कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी एक अच्छा इंसान है, हमको उसमें भरोसा है, हमको हिम्मत है कि वो ज़रूर हमको कुछ करेगा। और मोदी जी के बारे में सब लोग, हमारा देश भी नहीं पूरा संसार में उनका इतना इज्जत है, तो हम एक इंडियन होने के नाते अगर हम ट्रू इंडियन हैं तो हम ज़रूर मोदी जी के लिए वोट डालेंगे, वो हम मेरा विश्वास है। ये ज़रूर एक
इतिहास में ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, ये टाइम है ये चुनाव का, क्या हम इंडियन लोग जो लास्ट 10 ईयर्स का डेवलपमेंट हो रहा उसको वो पाथ में हम प्रोसीड कर सके, आगे बढ़े या उसको ब्रेक करें। आप जानते हैं दुनिया में पूरा कितना सिचुएशन कैसा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा, इजराइल का वॉर चल रहा, ये वॉर का टाइम में आपको कैसा लीडर चाहिए जो कुछ कर सके, जिसमें कुछ ग्रिप है, या जिसको पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट भी नहीं है और उसको फोर्स करके उधर लगाया है। तो ये बात भी डिस्कस करने की बात भी नहीं है, मगर उसको लोकल सब्जेक्ट बना के, ये भी और एक बहुत नेगेटिव ये हो रहा, असेंबली का इलेक्शन हो चुका है, हमारा चीफ मिनिस्टर बन गया है, मगर ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम के लिए आप लोग वोट नहीं देते तो हमारा लोकल काम नहीं होगा, ये बहुत बैड। अब हम क्या बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके वो दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री के साथ आपके लिए अच्छा अच्छा लॉज बनाएंगे, सेंट्रल फंड्स लेंगे और ये लेके इधर ही देंगे, तो क्यों ये रॉन्ग कॉन्वर्जेशन पे कोई भी भरोसा नहीं करना। सच्चाई मालूम है आप सबको और वो सच्चाई है कि बीजेपी गवर्नमेंट सबके साथ है और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी सबसे अच्छा इंसान है, जो एफिशिएंट है, जो इंजीनियर है, जिसको तरीका मालूम है, और उनके वजह से भलाई ज़्यादा होगा, सबको होगा। इनके कहने का तात्पर्य यह कि ऑलरेडी उनका फैमिली जो है, बैकग्राउंड जो है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी का, एक बहुत रिनाउंड परिवार से आते हैं, पूरे लोग उनको जानते हैं, उनके परिवार को इतने सालों से सबने देखा है, और वो खुद भी 2014 में एक MP रह चुके हैं, उनका काम लोगों ने देखा है। अब ये 2024 की जो लड़ाई है, इससे उनके किए हुए जो काम थे पहले 2014 से 2019 तक, उन्होंने जो काम किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस काम को भी और थोड़ा आगे ले जाने की बात ये कह रही हैं कि अगर फिर से एक बार हमको जनता ने मौका दिया, और जिसके बारे में ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता एक बार फिर से इनको मौका देने वाली है, और ये उस काम को, उस विकास के कामों को और आगे तक लेके जाएंगे। आखिर में एक और सवाल डॉक्टर संगीता रेड्डी जी से मैं पूछना चाहूंगी, आपके अपोनेंट जो हैं कांग्रेस के रंजीत रेड्डी जी, वो भी पहले BRS में थे, इस बार वो कांग्रेस के टिकट पे, वो सिटिंग MP भी हैं, इस बार वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और आप दोनों लोग कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी और रंजीत रेड्डी जी आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे मुझे जैसा लगता है, क्योंकि एक ही जगह से उन लोग एक ही पार्टी से निकल के आए हैं, आपस में एक दूसरे को पहले भी कॉम्पीट कर चुके हैं, इस बार फिर से एक बार कॉम्पीट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो क्या एक्स फैक्टर है जो कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी को एक स्टेप आगे लेकर जाएगा? आपकी लोगों का सपोर्ट जी, लोग का सच्चाई में उनका ध्यान, उन कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का ट्रैक रिकॉर्ड, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का रेप्यूटेशन, और सब लोग जानते हैं वो दूसरा कैंडिडेट क्या क्या किया, कैसा किया। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं उनके ऊपर आरोप भी नहीं ले रही हूँ, मगर सब लोग जानते हैं उनके बारे में, तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जनता बहुत समझदारी है, जनता बहुत क्लेवर है, और जो भी ये लोग अभी कांग्रेस पार्टी फैन पेजेस में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के बारे में जो जो बैड बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, नॉनसेंस लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, वो उनका टाइम वेस्ट है। जितना वो नेगेटिव लिखे उतना प्रजा समझेंगे उनके बारे में कि वो ऐसा, ज़्यादा पैसा कहाँ से आया वो पैसा सब जानते हैं, वो पैसा को सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं, करने दो। वही नॉनसेंस हम बहुत सहन चुके हैं जी। तो जब हम गांव में जाते, जब हम पीपल के पास जाते, हम इतना सपोर्ट मिल रहा, हम किसी पार्टी में भी वो आपके ही वोट देंगे, ये हम सबसे यही बात आ रहा, इसलिए हम और एनकरेज होके और काम कर रहे हैं सबके साथ, और मेहनत कर रहे हैं, और प्रेम से मेहनत कर रहे हैं, प्यार से मेहनत कर रहे हैं, और ये जीतने की आशा और लोग को सेवा करने की आशा से हमको और दम मिल रहा।
आप सभी लोग, जैसा कि आपने खुद ही आज आपको सबको पता चल गया होगा, पहले अमेरिका से यहाँ पर आके, भारत में आके, अपने देश में एक हेल्थ सेक्टर में, जहाँ पे भारत में हेल्थ की सुविधाएं कम हुआ करती थी, वहाँ पे आके हेल्थ सेक्टर में एक इन्होंने, इन लोगों ने, इनके परिवार ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया और अब अपने पति के साथ मिलके राजनीति में ही नहीं, अपने हमारे आपके आम जनता के जीवन में भी एक अभूतपूर्व परिवर्तन एक अच्छी सोच के साथ लाने के, जनता को मुसीबतों से बाहर निकालने, उनकी डेली की जो हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी मुसीबतें जो हर एक एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, गांव में, बस्ती में, और इस तरह के जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर जो जनता स्पेशली इस तरह की जो परेशानियाँ झेल रही है, उसको आगे ले जाके उसको बहुत परिवर्तन, उसको परिवर्तन करके उसको विकास की एक पटरी पर लाने की कोशिश की कवायद में आज उसी के लिए इन लोग लगे हुए हैं, और इसीलिए ये चुनाव, इनका ये चुनाव इसी मुद्दे पर कि हम आगे विकास को हम आगे बढ़ा सकें, यहाँ पे जनता तक सरकार की सभी स्कीमों का फ़ायदा लास्ट व्यक्ति तक, अंत्योदय स्कीम के तहत आखिरी इंसान तक, सब तक पहुँचे, इसी उम्मीद के साथ और इस चुनावी रण में उपस्थित हैं। बहुत मेहनत चल रही है, मैं भी देख रही हूँ, मैं भी जनता के बीच में जा रही हूँ, बहुत जगह मुझे पॉजिटिव रिस्पांस भी सुनने को मिल रहा है, स्पेशली पूर्णा विश्वेश्वर जी के बारे में लोगों का जो मानना, जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, वो क्या कहते हैं, एक बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, जिन्हें, जिनका विजन बहुत क्लियर है, उन्हें पता है कि काम बहुत किया है जी, शायद वो गाँव में बायोगैस करके, वो कुकिंग पूरा बायोगैस पे हो रहा जी, कोटपल्ली में बोटिंग प्रोजेक्ट बना के जी, वो लोकल बच्चों का इनकम बढ़ा दिया okay. उसने गांव में पूरा बच्चे निकल के सिटी में काम करे तो गांव का रौनक भी चले जाता है, हाँ, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ज़्यादा okay. काम कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, फिर वो मिडिल इनकम फैमिलीज का समस्या समझते हैं, तो जितना वो पैसा डाल रहे हैं स्कूल के ऊपर, तो क्वालिटी अफोर्डेबल स्कूलिंग, उसमें एक पॉलिसी एजुकेशन के ऊपर आनी चाहिए, उस पर वो बहुत काम करेंगे, फिर वो जानते हैं कि फिर इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा, तो उसमें कैसा तय करें, इसके ऊपर उसने जितना प्रैक्टिकल काम किया, तांडूर स्टोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो लड़ा के उनका GST कम किया, दूसरा जगह में रोड और ओवर ब्रिज नहीं था उसके लिए फंड्स लाया, तो रोड के वजह से कितना डेवलपमेंट होता, तो नितिन गडकरी से बात करके उनका अप्रूवल लेके वो भी काम बहुत किया है, फिर ड्रेनेज के समस्या बहुत है, उसको रूरल रिजुवनेशन, हाँ, तेलंगाना में ड्रेनेज का इशू इस वक्त, पानी का इशू, ड्रेनेज का इशू, ये दो इशू आपके पूरे तेलंगाना में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी वो काम करना शुरू कर चुके हैं, अपने पिछले टेन्योर में उन्होंने किया, एक बार जब इनको मौका मिला, आगे उसी को कैरी फॉरवर्ड करके उसको और आगे करके और बेहतर करना चाहते हैं, और जैसा कि आपने देखा ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार जनता मोदी जी के लीडरशिप में पूर्णा विश्वेश्वर जी को एक बार फिर से मौका देने वाली है शेवला की जनता। इसके साथ ही मैं मैडम को बोलना चाहूँगी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ऑल द बेस्ट कि आप जो सोच रहे हैं वो हो। एक कुछ आखिरी बात जो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये लास्ट बात है कि हम सब लोग एक अच्छा जिंदगी के लिए हम जी रहे, वो जो अच्छा जिंदगी जो सबका सपना है, जहाँ काम पीसफुल, थोड़ा एक सिद्धांत के साथ धर्म को सब निभा सके, अपना अपना धर्म, और विकास हो, और अच्छा आदमी को लीडरशिप में दिखा के हम बच्चों को बोल सकें कि ऐसा प्रिंसिपल्ड आदमी हमारा लीडर है, और जो मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया पूरे पूरे हर सेगमेंट में, हम मोदी जी को ज़रूर हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और हमारा चेवला में डबल इंजन ग्रोथ आनी चाहिए, तो May 13th पे सब लोग प्लीज़ आके वोट करना, वो आपका हक है, वो आपका आपका ड्यूटी भी है, तो ज़रूर आके वोट करना May 13th, किसी का वोट वेस्ट मत करना, और वोट करने के बाद जब आप वोट कर रहे हैं वो टाइम पे एक अच्छा आदमी के लिए वोट देना। नमस्ते। थैंक यू।
आपको, आप सभी को, दर्शकों को मैं भी एक बार कहना चाहूँगी, वोट का दिन हॉलीडे का दिन नहीं होता है, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है जहाँ पे हम अपने लिए कुछ करने वाले हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जाके वोट दें, वो छुट्टी का दिन नहीं है, उसको फ्राइडे सैटरडे संडे समझ के तीन दिन की छुट्टियों में किसी रिजॉर्ट में जाके मत बैठिएगा। अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, तभी आप कल किसी नेता को कह पाएंगे कि आपने अच्छा काम किया या नहीं किया। जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी नेता के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर कोई भी उंगली उठा सकूं। पहले हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, उसके बाद हम किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। और एक चीज़ के लिए आखिरी बार मैं आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, मुझे जैसा पता था कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पर आपने इतने अच्छे से अपनी भावनाओं को, अपने जो आपके मन के, आपके जो थॉट्स थे, आपके जो आगे के कार्यक्रम हैं, सर के जो कार्यक्रम हैं, उनके जो विजन है डेवलपमेंट के बारे में, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को हिंदी में समझाया है। इसके लिए आपको एक बार और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। इलेक्शन का टाइम, कोशिश करूंगी कि मेरा हिंदी इम्प्रूव हो सके। हिंदी इतना सरल भाषा है, मुझे सीखना है, और मगर आपसे बात करने में बहुत खुशी हुई। और आप सबके दर्शकों के लिए नमस्कार। आपका वोट और आपका सपोर्ट, आप लोगों में ज़्यादा लोग हैं जो आके हमसे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फ्यूचर में मिलेंगे और ज़रूर हम सब मिलके हमारा देश को और बढ़ाएंगे। नमस्ते। तो ये थी विनीता के साथ वार्ता में हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर संगीता रेड्डी जी। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ, फिर इसी समय पे आपके साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।